हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वायरलेस वर्ल्ड। आज हम आपको अपना गैजेट दिखाने वाले हैं। एक प्रोडक्ट है गाइस, हमने इसको बाय किया है। इसका नाम है टेस्ला कॉइल। फटाफट मैं आपको इसकी ओपनिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को देखिए गाइस, उसके बाद हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे प्रोडक्ट हमारा किस काम आता है गाइस। ये बेस में आप देख सकते हैं एल्युमिनियम है, हीट सिंक का काम करता है। उसके बाद आप फ्रंट में देख सकते हैं गाइस, इधर ये देखिए स्विच सेंटर में ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ब्लूटूथ का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीना भी है हमारा गाइस 2.4 GHz का, और ऑस्किलेटर भी देख सकते हैं आप जो हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। उसके बाद आप नॉर्मल देख सकते हैं, लाइटनिंग का भी है, ये देखिए साइन। इसके बाद ये हमारा एनर्जी का साइन है और फ्रीक्वेंसी का। इससे हम एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे गाइस यहाँ से। बाकी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट केस है हमारा, आर्कलिक शीट है, और जो आप देख सकते हैं हीट सिंक है हमारा, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं लाइन से। ये देखिए आप देख सकते हैं 3 ट्रांजिस्टर हैं इधर, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है गाइस, और सेकेंडरी कॉइल भी यहीं पे ही है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ये बॉटम से मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो हमारे स्क्रूज़ हैं वो भी आप देख सकते हो एलन की के हैं। सर्किट हमारा काफ़ी सिंपल है और प्लेन है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ हमें क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिली है गाइस, जो हम ऑपरेट करेंगे इस डिवाइस को। आप देख सकते हैं ये हमारा AC DC एडेप्टर है, और जो हमारा आउटपुट है गाइस, इसमें देखिए 48 वोल्ट DC 1.2 एम्पियर, और हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई होगी। और आउटपुट पिन आप देख सकते हैं ये रही, यहाँ से हम DC वोल्टेज को इन करेंगे गाइस। इसके बाद हमें एक चीज़ और मिली है इसके साथ, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर 2 हमारे गैस के बल्ब हैं, एक में नियोन गैस है और दूसरा बल्ब पता नहीं ग्रीन लाइट है, शायद हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है उसके अंदर। और आप देख सकते हैं नीडल, उसके बाद ये देखिए ये जो हमारी नीडल है गाइस, ये डिस्चार्ज करेगी इलेक्ट्रॉन को। और मान लीजिए हमारे जैसे 48 वोल्ट हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, और इधर आप देख सकते हैं सेकेंडरी में हमारे अराउंड 1000 टर्न्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, तो 48,000 के अराउंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इसमें। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट करते हैं अभी हम धीरे धीरे। पहले तो हम प्लग इन करेंगे पावर सप्लाई को गाइस। ये हमने प्लग इन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दिया है, और जो अभी हमारा ये स्विच है आप देख सकते हो अभी ऑफ मोड पे है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को हम बिल्कुल ही लो कर देंगे। ये देखिए नॉब, आप देख सकते हैं नॉब की डायरेक्शन बॉटम में है बिल्कुल। अब मैं आपको डिस्चार्ज दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम ऑन करते हैं इसको, आप डिस्चार्ज देख सकते हैं टॉप हेड पे। मैं इंक्रीज करता हूँ डिस्चार्ज को, ये देखिए गाइस। आपके सामने है ये, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं एनर्जी और इंक्रीज करता हूं, गाइज अभी मैं आपको लाइट ऑफ करके फिर आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, ताकि आपको ऑफ लाइट में सारा प्लाज्मा आप देख सको, लाइटनिंग देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए गाइस, अब हम इंक्रीज करते हैं एनर्जी को। ये देखिए गाइस, आप डिस्चार्ज देख सकते हैं। ये मोबाइल का पत्ता है, मेल फीमेल जो होते हैं, ये हमारा कीपैड है। इट्स वेरी पावरफुल गाइस। गाइज, अब मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके दिखाता हूँ, जिसमें आप नोटिस करोगे जो हमारा प्लाज्मा है, लाइटनिंग है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये मैं अभी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा हूँ। ये देखिए गाइज, गाइस इस पे आपको बड़ा ही केयरफुली काम करना है, बच्चे के हाथ में बिल्कुल भी नहीं देनी है। और जब भी आप कोई काम करो तो बच्चों को इससे दूर रखना, और आपको भी केयरफुली काम करना है, क्योंकि ये हार्मफुल होती हैं। जो इसके अंदर से रेज निकलती हैं, इसके अंदर से एक्स रेज, गामा, सारी रेज निकलती है जो हार्मफुल हैं, यूवी। तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइस। मैं आप लोगों को लास्ट चीज़ एक और दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड नियोन, दो गैस ट्यूब है मेरे पास। सबसे पहले मैं नियोन ट्यूब को दिखाता हूँ खोल के। तो ये हमारी नियोन ट्यूब है। नियोन ट्यूब का मतलब है गाइस, जो हमारी गैस होती है, नोबल गैसेस, उसमें से एक गैस है हमारी नियोन गैस। और जो गैस है वो, ये देखिए मैं इसको खोल देता हूँ पहले। ये हमारा ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमारी गैस है अंदर। और जब भी ये गैस EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आती है, तो ये गाइस इल्यूमिनेट करने लग जाती है। ये आपने नेचुरल फिनोमेना भी काफ़ी देखा होगा, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, इंक्रीज करता हूँ मैं वोल्टेज को। ये देखिए गाइस, ऑरेंज कलर है हमारी नियोन गैस का। जो मेरा मोबाइल का फ्रेम है गाइस, ये देखिए, ये पूरा कलर आप देख सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो आपने नियोन गैस का कलर देख लिया गाइस, ऑरेंज कलर है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्यूब दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का मैं कलर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, इस ट्यूब को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारी हाइड्रोजन गैस की ट्यूब है। ये देखिए, इसका कलर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए क्या कलर है गैस का। ये वाली हमारी इल्यूमिनेट नहीं कर रही है गाइस,
शर्ट ये वाली हमारी लीक कर गई है, ये आप देख सकते हैं स्पार्क अंदर। ये आप देख सकते हैं गाइस स्पार्क अंदर ट्यूब के, इसकी शायद हमारी गैस लीक हो गई है। ये आप देख सकते हैं परफेक्टली काम कर रही है हमारी।